सोशल मीडिया ने लोगों के सामाजिक दायरे को तो बढ़ाया ही है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल बेहद ही खतरनाक साबित होता जा रहा है। ऐसा ही एक मामला दिल्ली से सामने आया जिसने पूरे देश में एक आक्रोश पैदा कर दिया। दक्षिणी दिल्ली के कुछ स्कूल के लड़कों ने इंस्टाग्राम पर बॉयज लॉकर रूम नाम से एक प्राइवेट ग्रुप बनाया। आरोप है कि ये लड़के इस ग्रुप में अश्लील बातें करते और लड़कियों की तस्वीरों पर गंदे गंदे कमेंट करते। इस ग्रुप के तार अब NCR से भी जुड़े हैं। साइबर सेल ने दिल्ली और नोएडा के स्कूलों के लड़कों की पहचान की है। जांच में सामने आया है कि ग्रुप में सभी एक दूसरे को नहीं जानते थे, बस ये लड़के एक दूसरे से कनेक्ट होते गए और ग्रुप बढ़ता गया। एक नजर डालते हैं कि इसका पर्दाफाश कैसे हुआ। सोमवार 3 मई 2020 को एक लड़की ने बॉयज लॉकर रूम नाम से इंस्टाग्राम ग्रुप की चैट के कुछ स्क्रीनशॉट्स सोशल मीडिया पर डाल दिए। देखते ही देखते ये स्क्रीनशॉट वायरल हो गए। चैट के स्क्रीनशॉट्स में कुछ लड़के नाबालिग लड़कियों का गैंग रेप करने का इरादा रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस ग्रुप में ज्यादातर मेंबर लड़के ही हैं जो दिल्ली NCR के अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं। इनकी उम्र 16 से 18 साल के बीच में बताई जा रही है। आरोप है कि ये लड़के नाबालिग लड़कियों की एडिट की हुई अश्लील तस्वीरें ग्रुप में पोस्ट कर रहे थे और चैट में ये उन लड़कियों के बारे में आपस में घटिया बातें भी करते हुए नजर आए। इस ग्रुप का पर्दाफाश करने वाली और इन लड़कों के दोबारा एक नया ग्रुप बनाने की सूचना एक लड़की ने दी थी। आरोप है कि इसके बाद इन लड़कों ने उसकी न्यूड तस्वीरों को वायरल करने की धमकी भी दी। ग्रुप की चैट वायरल होते ही दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने मामले का संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस और इंस्टाग्राम को जवाब देने के लिए नोटिस थमा दिया। इंस्टाग्राम पे कुछ लड़कों ने एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है बॉयज लॉकर ग्रुप। इस ग्रुप में वो छोटी लड़कियों की फोटो सर्कुलेट कर रहे हैं, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं और यहाँ तक कि इस ग्रुप में वो मिलकर ये भी प्लान कर रहे हैं कि कैसे छोटी बच्चियों का रेप किया जाए। ये बहुत ही डराने और चौंका देने वाला है। दिल्ली महिला आयोग ने इंस्टाग्राम और दिल्ली पुलिस दोनों को नोटिस इशू किया है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये लड़के तुरंत अरेस्ट होने चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। इधर नाबालिग बच्चों में इस तरह की सोच पर साइकोलॉजिस्ट अलग अलग कारण बता रहे हैं। सही नॉलेज ही इन सब चीजों के लिए एक कामयाब उपाय है। आपको बच्चों को नॉलेजेबल बनाना पड़ेगा हर एस्पेक्ट में। और सेक्स की नॉलेज कहाँ से ले बच्चे? सेक्स एजुकेशन मस्ट है, या तो टीचर्स से या घर में किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन के द्वारा अगर नॉलेज आएगी तो सही नॉलेज आएगी। और अगर आप बच्चों को ऐसे ही ग्रुप्स के भरोसे छोड़ देंगे तो वो नॉलेज ठीक नहीं आएगी। तो जिस तरीके की विकृत नॉलेज या विकृत ज्ञान बच्चों के मस्तिष्क में भरेगा वो उसके परिणाम सोसाइटी को देखने पड़ेंगे। इस मामले पर इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी फेसबुक ने प्रतिक्रिया दी है। फेसबुक ने कहा कि वो ऐसे किसी भी व्यवहार की अनुमति नहीं देती है जो यौन हिंसा या किसी का शोषण करने का बढ़ावा देती हो। फेसबुक ने कहा कि जैसे ही उसे कंपनी की कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले कंटेंट का पता चला तो उसने तुरंत कार्रवाई की। फेसबुक का कहना है कि उसने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है और ये सुनिश्चित करेगी कि उसके यूजर्स एक सुरक्षित माहौल में उसके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकें। युवाओं और नाबालिगों की मानसिकता में इस प्रकार का खतरनाक परिवर्तन कोई नई बात नहीं है। पिछले दिनों इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड की एक रिपोर्ट आई थी जिसे शायद गंभीरता से नहीं लिया गया। ICPF ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया था कि भारत में लॉकडाउन के दौरान इंटरनेट पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी की डिमांड में 100% का उछाल आया है, जिसका मतलब ये हुआ कि सोशल मीडिया और अन्य वेबसाइट पर लोग चाइल्ड पोर्नोग्राफी को कुछ ज़्यादा ही सर्च कर रहे हैं। ICPF के मुताबिक 24 से 26 मार्च के बीच दुनिया की सबसे बड़ी पोर्नोग्राफी वेबसाइट पर भारत से आने वाले ट्रैफिक में 95% का इजाफा हुआ, जो कि एक बड़ी चिंता की बात थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सोशल मीडिया पर बॉयज लॉकर रूम जैसे ही अन्य ग्रुप्स पर कैसे लगाम कसी जा सकती है। साथ ही स्कूलों में पढ़ने वाले नाबालिगों की सोच में इस प्रकार की अश्लीलता को फैलने से कैसे रोका जा सकता है।